बोत्सवाना के एक 68 वर्षीय मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित व्यक्ति का वोकाट हॉस्पिटल नागपुर में ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। यह विदर्भ क्षेत्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। उपचार डॉक्टर गुंजन लोणे और डॉक्टर विश्वदीप खोज कंसल्टेंट्स हेमटो ऑकोलॉजी और बीएमटी विशेषज्ञ द्वारा किया गया। इसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर गुंजन लोणे और डॉक्टर विश्वदीप खुशू द्वारा दी गई। 2007 में उन्हें बायोमुखी स्कैम सेल कार्सिनोमा का भी निदान हुआ था, जिसके लिए बोत्सवाना में उनकी सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हुई थी। रोगी को 2020 में मल्टीपल माइलोमा का पता चला था और बोत्सवाना के एक स्थानीय अस्पताल में कीमोथेरेपी इलाज भी हुआ था। इसके बाद उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। उनके देश में विशेषज्ञ की उपलब्धि न होने से उन्होंने भारत में ट्रांसप्लांट कराने का फैसला लिया। मरीज के रोग नियंत्रण स्थिति के बारे में जानने के बाद वोकाट हॉस्पिटल बीएमटी यूनिट में ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टर गुंजन ने कहा, रोगी को कीमोथेरेपी की एक उच्च खुराक दी गई, जिससे उस शेष सूक्ष्म कैंसर कोशिकाओं का सफाया हुआ। अपने स्वयं के जगाने से इलाज में मदद मिली। वह ट्रांसप्लांट के 12 दिनों के भीतर ठीक हो गए। For the entire attention, and the doctor immediately told me that I have a myeloma. We have a medical insurance, so then obviously the results were created and through my examination, then there is something I have to go involved. And they told us about different possibilities and about that. 68 वर्षाचा हा व्यक्ती आमच्याकडे बोत्सवानाहून आला। त्याला मल्टिपल मायलोमा होता। त्याचं जो निदान झाला तो बोत्सवानालाच झाला। तिथेच त्याची कीमोथेरपी झाली आणि त्याला बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट म्हणजे बोन मॅरोचं प्रत्यारोपणचं ऑप्शन तिकडेच दिला गेला। त्याला तिथे विशेषज्ञ नसल्यामुळे त्यांनी इंडियात ट्रीटमेंट घ्यायचा, ट्रान्सप्लांट करायचा ऑप्शन निवडला। आणि जेव्हा त्यांनी डिसाइड केलं तर आमचं त्यांच्याशी 2 महिन्यापूर्वी बोलणं झालं। ऑगस्ट महिन्यामध्ये पेशंट इथे आला। आम्ही 19 ऑगस्टला त्यांचं ट्रान्सप्लांट केला आणि आता पेशंट 12 दिवसात बरा होऊन घरी गेला। तर पेशंटचं वय जास्त असल्यामुळे आम्हाला वाटत होतं की आम्हाला जशी ज्या अमाऊंटचं स्टेम सेल्स पाहिजे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करायला, जेवढी आम्हाला स्टेम सेल्सची गरज होती तेवढी मिळणार की नाही मिळणार। त्याला पूर्वी ओरल कॅन्सर पण होता, त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी ट्रीटमेंट घेतली होती, कीमोथेरपी, रेडिओथेरपी आणि सर्जरी। तर ह्या चॅलेंजेस काही आम्हाला अपेक्षित होते, पण आमचे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आणि मॅनेजमेंटमध्ये त्यांचा हा प्रत्यारोपणाचा प्रवास बराच सरल आणि सहज राहिला। अकाउंट्स में ज़रा बेटर बता पाएंगे, रफली 10-14 लाख के बीच में खर्चा आता है। तो इनमें बेसिकली प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप भी पेशेंट का इंक्लूडेड है, तो नॉर्मली हम वो इंक्लूड नहीं करते। तो जब ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट लेते हैं तो रफली 8-10 लाख तक खर्चा आता है, बिकॉज इसमें बाकी चीज़ें भी थी, प्री ट्रांसप्लांट एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर भी था, तो थोड़ा सा हायर हुआ इसमें। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे एग्जैक्टली बाकी लोगों का पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से पहली बार है विदेशी लोगों का, बट नॉर्मल हिंदुस्तानियों का यहाँ पे होता है। वैसे इलाज के दौरान कुछ चुनौतियों की अपेक्षाएं थी, लेकिन उचित उपचार योजना एवं प्रबंधन के साथ रोगी की ट्रांसप्लांट प्रक्रिया सरल तरीके से की जा सकी। कैमरा पर्सन सुभाष बूटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।